नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम लोग आए आपके लिए फिर से एक बड़ी खबर, बड़ी खबर है ये बेसिक शिक्षा को लेके। शिक्षकों को लेके योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, शिक्षकों पर अब रखी जाएगी पैनी नज़र, क्योंकि शिक्षकों की फर्जी फाड़ी खबर बहुत निकल रही है। इसी को लेके ऐसे शिक्षक जिन्होंने 2013 के बाद अपना पैन नंबर बदला है वो अब सरकार की रडार पर रहेंगे। कोटाकार से प्राप्त करेंगे ऐसे शिक्षकों की सूची जिन्होंने अपना पैन नंबर बदला है। 24 जून तक निदेशालय भेजनी होगी ऐसे शिक्षकों की सूची। बेसिक शिक्षा निदेशक ने पहले भी मांगी थी ऐसे शिक्षकों की सूची, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग सूचना देने में कर रहा है देरी। जी हाँ, शिक्षकों के फर्जीवाड़े को लेकर शिक्षा विभाग पर भी नज़र बनाए हुए है सरकार। सिद्धार्थनगर के BSA कार्यालय का स्टेनो को किया गया था गिरफ्तार। फर्जी शिक्षकों के साथ साठगांठ करता था उनको ब्लैकमेल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन शिक्षकों का डाटा ऑनलाइन होने पर ख़त्म हो जाएगा ये फर्जीवाड़ा। दूसरी खबर में आपको बताने जा रहे हैं कि सभी प्रकार के एरियर पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी गई है। लॉकडाउन के कारण राजस्व में भारी कमी हो गई है, जिसके कारण आप कोई भी एरियर का भुगतान नहीं होगा। 30 सितंबर तक सभी विभाग में बड़े वित्तीय कार्य भी रोक दिए जाएंगे, जैसे कि भवन निर्माण या जमीन खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन यदि आवश्यक है तो उन्हें पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद ही कार्य संपन्न होगा। तीसरी खबर में आपको बता रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में महिला आरक्षण को लेकर एक विज्ञप्ति जारी की गई है। 69,000 शिक्षक भर्ती महिलाओं को 20% आरक्षण नहीं दिया गया है। 30 अगस्त 1999 और 22 अगस्त 2001 को ये आदेश जारी हुआ था, जिसमें सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20% आरक्षण तय किया गया था। शासन के इसी आदेश को लेकर मीना गोस्वामी ने याचिका दाखिल की कोर्ट में और न्याय की गुहार की कि उन्हें भी 20% आरक्षण, 36% दिया जाए। सुनवाई की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, लेकिन लगता है 69,000 शिक्षक भर्ती संबंधी सभी सुनवाई जुलाई में हो पाएंगी, इसलिए जुलाई में देखेंगे क्या होगा। ऐसी ही लेकिन डेली अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। बस आज की खबर में बस इतना ही। मैं आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।